नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरीश, अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं ओप्पो के वन की। जी हां, आपने सही सुना, ओप्पो ने जो है अपना नया फ़ोन जो है लॉन्च कर दिया गया है, जिसके बारे में फुल डिटेल इस वीडियो में देने वाला हूं। तो देख आप मतलब पूरा बिना स्किप किए इस वीडियो को देखिए और जानिए ओप्पो के वन के बारे में। बहुत ही ज़्यादा अच्छा जानकारी इसमें मिलेगी इस वीडियो में, कहना चाहिए। तो बिना स्किप किए देखिए लास्ट तक और जानिए पूरे स्पेसिफिकेशन के बारे में, उसके कौन से वेरिएंट में लॉन्च किया, कैसा डिज़ाइन आपको मिलता है, कैसी बैटरी वगैरह जो इसमें मिलती है और कैसा आपको कैमरा इसमें मिलता है। तो दोस्तों अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को। आप मुझे पहली बार अगर देख रहे होंगे तो, क्योंकि ऐसे वीडियोज़ मेरे चैनल में आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं मोबाइल का फुल डिटेल, आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए आप डिसाइड करेंगे इसके स्पेसिफिकेशन के को देख के। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं इस वीडियो। तो जो है ओप्पो K1 का जो है डिस्प्ले यानी कि डिज़ाइन जो है बॉडी कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिल जाएगी। वैसे तो जो है कंपनी ने इसे भारत में सिर्फ एक ही वेरिएंट में जो है लॉन्च किया है, 4/64 यानी कि 4 GB आपको रैम मिल जाएगा और 64 GB आपको जो है स्टोरेज मिल जाएगी। वैसे तो चीन में बहुत सारे मतलब कहना चाहिए दूसरे वर्जन में मतलब 4 और 6 4 GB और जो है 64 GB का और जो है 6/64 ऐसा टाइप का अलग अलग वेरिएंट में जो चीन में लॉन्च कर चुके हैं, बट जो है भारत में एक ही वेरिएंट आपको मिल जाएगा जो कि 12 फरवरी से जो है फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स साइट में आपको जो है मिल जाएगा, यानी कि 12 तारीख से जो है बिक्री चालू हो जाएगी इस मोबाइल की। तो आपको लेना है तो 12 तारीख को आपको देखना पड़ेगा। तो दोस्तों जो है इस फ़ोन का जो है लगभग 16,990 रुपये जो है भारतीय मुद्रा के हिसाब से जो है इसका रेट यानी कि प्राइस रखा गया है भारत में। और चलिए जानते हैं फिर स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके डिस्प्ले की। तो आपको इसमें डिस्प्ले जो है 6.4 इंच यानी कि 4.4 इंच का इसमें आपको डिस्प्ले जो है मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। और आपको ड्रॉप जो है वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिलता है, जिसमें कैमरा जो है सेट किया गया है वहाँ पर। और अगर इसके प्रोसेसर की बात किया जाए और डिस्प्ले में जो है डिस्प्ले की अगर बात करें तो डिस्प्ले में जो है इन डिस्प्ले जो है फिंगरप्रिंट्स जो है दिया गया है, बाहर में अलग से फिंगरप्रिंट सेंसर आपको नहीं दिया गया है, जो है स्क्रीन से ही आपका जो है फिंगर स्क्रीन स्कैन होगा और वहीं से जो है लॉक खुल सकेगी, यानी कि स्क्रीन में ही जो है फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है दिया गया है। अगर प्रोसेसर की बात करें तो इसमें प्रोसेसर जो है स्नैपड्रैगन 660 आपको मिल जाता है। और रैम की बात करें अगर तो 4 GB इसमें रैम दिया गया है और स्टोरेज की बात करें तो 64 GB आपको स्टोरेज इसमें मिल जाएगी। फ्रंट कैमरा की अगर बात की जाए तो फ्रंट कैमरा आपको जो है 25 मेगापिक्सल यानी कि 25 मेगापिक्सल की आपको जो है मिल जाती है। और रियर कैमरा की बात करें तो रियर जो है डुअल कैमरा सेटअप आपको दिया गया है, जिसमें एक 16 मेगापिक्सल का और दूसरा जो है 2 मेगापिक्सल का आपको जो है मिल जाता है। और सिक्योरिटी की अगर बात करें तो इसमें जो फिंगरप्रिंट सेंसर आपको मिल जाता है, फिंगरप्रिंट सेंसर जो कि इन स्क्रीन दिया गया है। और बैटरी की अगर बात करें तो 3600 mAh यानी कि जो है 36,000 इसमें सॉरी 3600 जो है mAh बैटरी इसमें दी गई है। और कनेक्टिविटी की बात करें तो 4G OLT इसमें वाईफाई ब्लूटूथ वगैरह भी दिया गया है। और OS की बात करें, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें इसके, तो एंड्रॉयड 8.1 ओरियो अपडेट इसमें दिया गया है। तो काफ़ी अच्छा जो है इसके जो है स्पेसिफिकेशन लग रहे हैं और इस प्रकार कुछ आपको जो है मिल सकता है ये मोबाइल। और अच्छी बात आपके लिए ये है कि अगर आपके पास सिटी बैंक का जो है क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है तो आपको 10% जो है कम 10% का जो है डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप जो है सिटी बैंक के डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके जो है पेमेंट करते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो ये थी दोस्तों डिटेल्स ओप्पो K1 की। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए और कुछ नए जो है लॉन्च मोबाइल के बारे में लाऊँगा। चलिए फिर दोस्तों एंड कर रहे हैं इस वीडियो को और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।